गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर TSN क्लासेस। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, पेज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 1.3। टुडे वी विल कंटिन्यू पार्ट 4, टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, लीग टूर्नामेंट होता है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट इज कॉम्पिटिशन इन फिजिकल एक्टिविटीज हैज बीन द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द स्टोन एज। कॉम्पिटिशन कब से चल रहा है? पुराने पाषाण युग से कॉम्पिटिशन चल रहा है फिजिकल एक्टिविटीज में। देन देयर वेयर नो रूल्स एंड रेगुलेशन। उस समय में कुछ रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता था। उस टाइम क्या होता था? देन देयर वेयर माइट इज राइट वॉज द पेन प्रिंसिपल इन दोज डे। जिसकी लाठी उसी की भैंस। उस टाइम का जिसका जो मतलब मन करे वो करो। विद द पैसेज ऑफ टाइम सम रूल्स केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड कॉम्पिटिशन बिगन टू हेल्ड इन सिविलाइज वे। तो थोड़े दिनों बाद, मतलब थोड़े कुछ समय बीते उसके बाद क्या हुआ, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हुए और सिस्टमेटिक कॉम्पिटिशन चलने लगे। नाउ द कॉम्पिटिशन और टूर्नामेंट आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। और आजकल क्या है, रूल्स और रेगुलेशन के बिना कॉम्पिटिशन नहीं होते। द टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज एट वेरियस लेवल सच एज जोनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आजकल कैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाते हैं, पहले जोनल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, फिर ओलंपिक गेम्स में जाते हैं, फिर वर्ल्ड कप होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्लेंडिड एंड मैग्निफिशेंट वे, और एक सिस्टमेटिक तरीके से और शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं दीज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन और टूर्नामेंट। प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द स्पेक्टर। ये स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट क्या करवाते हैं? जो पब्लिक होती है उनको मनोरंजन प्रोवाइड करवाते हैं। विच हेल्प्स देम इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। और क्या करते हैं, ये स्ट्रेस कम करते हैं और डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें टेंशन कम करते हैं। दिस टूर्नामेंट आर हेल्पफुल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट। ये टूर्नामेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, सर्वांगीण विकास, पूरी बॉडी का विकास होता है उससे। In fact, a tournament it's that series of sports in which one team finally will and the rest of the team lose the matches. If a tournament is that series of sports in which one team finally wins and the rest of the team are loses. और ऐसे टूर्नामेंट में क्या होता है, जो एक टीम जीतती है और बाकी टीम हार जाती है। Before organizing a tournament, it is very essential to prepare a good plan. टूर्नामेंट स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा प्लान हाथ में होना चाहिए। देर आर वेरियस मेथड टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट। बहुत तरीके के टूर्नामेंट होते हैं। टू सेलेक्ट द बेस्ट मेथड डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टीम। कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आपकी टीम पर, पार्टिसिपेंट पे डिपेंड करता है या टीम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूर्नामेंट सेलेक्ट करके वो टूर्नामेंट स्टार्ट करना चाहते हो। टू सेलेक्ट द various factors such as number of participating team, the type of facilities of ground equipment, the number of official available and the duration of the tournament. उसमें क्या क्या होना चाहिए, participating team होनी चाहिए, the types of facilities, ग्राउंड में इक्विपमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, द नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, ड्यूरेशन आपका टाइम, आपके पास टाइम होना, टूर्नामेंट में कितने दिन में आपको कंप्लीट करना है, ये सब पहले ही प्लान होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट आर वेरी important in the field of sports. Player participate in tournament with a great zeal and zest. The tournament are significant not only to the player but to the coaches and physical education teacher also. The importance of tournament described. क्या क्या importance है ये आपको दिए गए players के लिए, tournament में क्या क्या होता है ये सब, coaches के लिए भी अच्छा होता है और physical education। First, development of sports skill. अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल कैसे डेवलप होगी, जब आप स्कूल्स में स्पोर्ट्स पर्सन को आप क्या सिखाओगे, बाय पार्टिसिपेटिंग इन टूर्नामेंट स्पोर्ट्स पर्सन डेवलप वेरियस स्किल ऑफ स्पोर्ट्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट आर नॉट ओनली डेवलप टेक्निकल स्किल ऑफ द स्पोर्ट्स बट ऑल्सो
टिकल स्किल्स पर स्पोर्ट पर्सन एक्वायर एफिशिएंसी इन स्किल एंड फाइनली दे शो मार्क इंप्रूवमेंट इन द गेम। अब स्पोर्ट्स में कोई खेलेगा तो डे बाय डे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप में स्किल्स आएगी, आप में टेक्निक आएगी, हाउ कैन यू थ्रो द बॉल, हाउ कैन यू प्ले द बॉल एंड वट एवर यू वॉन्ट डे बाय डे यू मेक सम एफर्ट एंड यू विल बी इम्प्रोवाइज इन योर गेम। प्रोपगंडा ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का प्रोपगंडा क्या है कि जितना जितना हो सके उतना लोग बाग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लें और उससे क्या होता है कि टूर्नामेंट आर हेल्पफुल इन पब्लिशिंग द स्पोर्ट्स। व्हेन अ टूर्नामेंट ऑफ अ न्यू स्पोर्ट्स इज ऑर्गेनाइज द स्पेक्टर्स कम टू नो अबाउट दैट स्पोर्ट दैट दे क्रिएट इंटरेस्ट इन। स्पोर्ट्स का प्रोपोगंडा ये होता है कि बाहर से लोग देखने आए, कुछ नया गेम स्टार्ट करें, जैसे कोई नया गेम स्टार्ट करा जाता है उसमें अगर पब्लिक को बुलाकर उसको इंटरेस्ट आता है गेम में तो फिर वो क्या करता है उसमें इंटरेस्ट रहता है गेम को खेलने में और उसमें उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की इच्छा करता है। हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, कैसे कैसे टूर्नामेंट में हेल्पफुल रहेगा, इन अ टूर्नामेंट सिलेक्शन कैसे करा जा सकता है प्लेयर का, इन अ टूर्नामेंट गुड प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड इजिली बाय ऑब्जर्विंग देयर परफॉर्मेंस इन टूर्नामेंट। गुड प्लेयर को कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आप जैसे वो कोई प्रैक्टिस कर रहा है या फिर कोई टूर्नामेंट में जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा खेल रहा है या फिर नेशनल लेवल पर अच्छा खेल रहा है तो फिर उसको कोचेस क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। द प्लेयर हु गिव गुड परफॉर्मेंस कैन बी सिलेक्टेड फॉर अपर लेवल टूर्नामेंट, उसको फिर अपर लेवल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो सो टूर्नामेंट इज अप्रोप्रिएट वे टू गुड अ टीम ऑफ प्लेयर, तो ये ऐसे 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 टूर्नामेंट में फिर एक टीम बनाने में एक आसानी हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ अ नेक्स्ट पेज फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा, स्पोर्ट टूर्नामेंट आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन एज वेल एज इंटरनेशनल यूनिटी एंड ब्रदरहुड। अ टूर्नामेंट इज वन ऑफ द बेस्ट मीनिंग ऑफ एंसर्स, जैसे नेशनल इंटरनेशनल में क्या होता है कि बाहर से जो टीम आती है अदर स्टेट्स की टीम अदर कंट्री की टीम आती है, जैसे कि आप सपोजिट करो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था उसमें क्या होता है गेम खेलने से क्या होता है यूनिटी होती है एंड ब्रदरहुड होता है। अपन जैसे अदर कंट्री की टीम होता है ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री से जो प्लेयर्स आते हैं उनसे मतलब एक इंटरनेशनल भावना में मतलब शांति की भावना के प्रति अपन खेलते हैं और भाईचारा बढ़ता है। फिफ्थ लेवल डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटी, कैसे सोशल क्वालिटी डेवलपमेंट होगी, सोशल ट्रेट है सच एज टॉलरेंस सिंपैथी कोऑपरेशन ग्रुप कोहेसिव ब्रदरहुड डिसिप्लिन। सोशल ट्रेट बोलचाल अच्छी तरीके से रहना, टॉलरेंस परेशानी सिंपैथी दिखाना, कोऑपरेशन अच्छे तरीके से बात करना, कम्युनिकेशन होना, ग्रुप में बातें करना, डिसिप्लिन रखना, डेवलप्ड अमंग पार्टिसिपेंट थ्रू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अदर एथिकल वैल्यूज सच एज फेयर प्ले, नैतिक मूल्य और उसके फेयर प्ले खेलना मतलब फेयर गेम्स खेलना और जस्टिस ऑनेस्टी रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स एज ऑल्सो डेवलप थ्रू द स्पोर्ट, और सच्चाई होना, रेस्पेक्ट करना, ये सब टूर्नामेंट स्पोर्ट टूर्नामेंट में जरूरी है। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्रोवाइड रिक्रिएशन कैसे आएगा, स्पोर्ट्स कैसे करता है रिक्रिएशन, आपका मनोरंजन कैसे करता है, कोई वर्ल्ड कप होता है जिन टूर्नामेंट होता है तो आप उसमें स्पेक्टर्स के बैठने की व्यवस्था की जाती है उसको तो उसमें क्या होता है कि उनका मनोरंजन करता है एज टू मेक अ लाइफ, और जो ऑर्गेनाइजर होता है वो आपके बैठाने की व्यवस्था करता है और उसको खर्चा करने से भी नहीं डरता। दैट इज वाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो टू वॉच द ओलंपिक गेम एंड वर्ल्ड कप ऑफ वेरियस गेम एंड स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट इज गुड सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में कैसे टीम आती है देन उसके बाद क्या होती है पब्लिक का एक आना बहुत जरूरी है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो फुल तरीके से खर्चा करता है और वो गुड सोर्सेस टूर्नामेंट इज अ गुड सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन। सबसे अच्छा मनोरंजन क्या है टूर्नामेंट करवाना, टूर्नामेंट का होना। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस नॉकआउट इज द टाइप टूर्नामेंट अ टीम विच इज वन डिफीटेड ऑटोमेटिकली गेट इलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट से मतलब ये है कि एक टीम से मैच होना, अगर एक टीम अगर लूज हो जाती मतलब लूज अपना एक टीम मैच हार जाती तो वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड हो जाती, मतलब वो टीम से बाहर हो जाती और नेक्स्ट टीम अगले सेशन में
टूर्नामेंट में कंटिन्यू हो जाती है. इट मींस दैट द डिफीट टीम डज नॉट गेट अ सेकंड अपॉर्चुनिटी. मतलब कि जो डिफीट टीम है उसको सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. अपॉर्चुनिटी आर गिविंग टू विनिंग टीम्स और प्लेयर. फॉर एग्जांपल इफ फोर टीम्स पार्टिसिपेट इन द टू नॉकआउट टूर्नामेंट द विनिंग टीम इज डिक्लेयर इन द फॉलोइंग वे. जो टीम सबसे जीतती जाए मतलब विनिंग होती जाएगी वो डिक्लेयर हो जाएगी और जो हारती जाएगी वो बाहर होती जाएगी. ये टीम इन द फर्स्ट राउंड एंड टीम छोड़ो. एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. एडवांटेज क्या है द नॉकआउट टूर्नामेंट? जैसे कम खर्चा होता है इसमें और जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है और जो अदर टीम होती है वो जीत जाती है. द नॉकआउट टूर्नामेंट हैज हेल्पफुल इन एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट बिकॉज ईच टीम ट्राइज टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस टू अवॉइड डिफीट. नॉकआउट टूर्नामेंट से क्या मदद मिलती है कि जो टीम टीम जीतती जाती है वो आगे बढ़ती जाती है और जो हारती है वो टीम बाहर हो जाती है. ओइंग टू लेस नंबर ऑफ मैचेस द टूर्नामेंट गेट कंप्लीटेड इन लेस टाइम. और ये जल्द से जल्द टूर्नामेंट फिनिश हो जाता है कम समय में. मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ. और इसमें ज़्यादा ऑफिशियल जैसे रेफरीज एम्पायर्स इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती और जल्द से जल्द ये कम नंबर में ऑफिशियल की जरूरत होती है इसलिए जल्दी खत्म हो जाता है. डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. डिसएडवांटेज नेक्स्ट पेज पेज नंबर 21. डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट. डिसएडवांटेज क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट के? देर आर मे बी मैनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन द फर्स्ट और सेकेंड राउंड. सो गुड टीम मे नॉट रीच द फाइनल राउंड. इसमें ऐसे क्या होता है डिसएडवांटेज क्या है? कोई टीम अच्छी टीम हो अगर वो पहले ही कुछ मैचों में हार जाए तो फिर उसको आगे नहीं मिलता और फिर जैसे देर आर मोर चांस ऑफ वीक टीम टू एंटर द फाइनल. और फिर क्या होता है जो वीक टीम होती है वो फाइनल में एंट्री कर जाती है तो फिर उसमें लास्ट में क्या स्पेक्टर में लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल मैच इफ वीक टीम्स रीच इन फाइनल राउंड. तो जो दर्शक होते हैं उनको कोई मन अच्छा नहीं लगता. मतलब कोई वीक टीम अगर फाइनल राउंड में आ जाती तो फिर उसको मैच देखने का इच्छा नहीं करती या फिर वो उस ग्राउंड पर नहीं जाता है उसको मैच को देखने फाइनल राउंड को देखने. सेकेंड पॉइंट लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. मिस्टर बगर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इमेजिन द लीग टूर्नामेंट एंड ओइंग टू डेट दिस टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्गर सिस्टम. अकॉर्डिंग द टूर्नामेंट ईच टीम प्ले विद एवरी अदर टीम वंस इफ इट्स सिंगल लीग टूर्नामेंट. इसमें क्या होता है कि ये टीम सब टीमों से खेलती है जैसे कि कोई भी टीमों से उससे एक एक बार मैच जरूर होगा. इफ इट्स डबल लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्ले विद एवरी अदर टीम ट्वाइस इन द डिस ट्राइब टूर्नामेंट. एवरी टीम प्ले विथ वेरी अदर टीम रेस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट. इट कैन बी कॉल्ड द बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट बिकॉज इट प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टीम टू देयर डिस्प्ले देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. इन फैक्ट इज नो एलिमेंट ऑफ चांसेज देन देयर रियल विनर इज पिकअप इजली एट द एंड. इसमें क्या होता है कि आप हर टीम से आपका मैच करा जाता है. तीन जैसे तीन मैच करवाने लीग मैच में ही होता है. तीन में से दो जीतना जरूरी है या फिर एक दो जीतोगे तो आप आगे एलिमिनेट हो आगे हो जाओगे विनिंग. और अगर आप दो हार गए तो आप एलिमिनेट हो जाओगे. तो इसमें अपनी बैटिंग को इम्प्रूवमेंट करने का चांसेस मिलता है या फिर अपने गेम को इम्प्रूवमेंट करने का चांसेस मिलते हैं.